चाहते मानव सेवा दे स्वरूप हरकृष्ण जी उदो दिल्ली सन जदों शहर विच चेचक दी महामारी फैली। सिख संगत समेत दिन रात रोगियों की सेवा करते गुरु हरकृष्ण जी आप बीमार हो गए ते कुछ दिन बाद ज्योति जोत समा गए। ज्योति जोत समाण वेले उन्हां दे मुखार बिनते ये दो शब्द सन, बाबा बकाले। इन्हां दो शब्दों का भाव सी नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर इस वेले बकाले विच हन। पर जदों ये दो शब्द बकाले पहुंचे तां बाई बाबे ढौंगी गुरु बन बैठे। पर गुरु तेग बहादुर शांत अडोल अपनी कुटिया विच प्रभु दे सिमरन विच लीन रहे। उधर पंजाब दे मशहूर सौदागर मक्खन शाह दुबाणा की बेड़ी दरिया की घूमण केरी विच दावाडोल हो रही सी। उसने गुरु घर का ध्यान करके अरदास की, 500 मोहरां दी सुखना सुखी। उसकी बेड़ी सही सलामत कंडे लगी। सुखना पूरी करन लई वो बकाले पहुंचिया तां बाई गुरु देख के हैरान होया, पर पंज पंज मोहरां हर आपे बने गुरु अगे तरी गया। गुरु तेग बहादुर जी दे सन्मुख आके भी मक्खन शाह ने पंज मोहरां रख के सीस निभाया। गुरु जी हंस के बोले, मक्खन शाह व्यापार इस तरह नहीं चलते। तेरा इकरार था 500 मोहरां दा सी। मक्खन शाह यह वाक सुन के खुशी नाल दीवाना हो गया, छत ते चढ़ के गाउण लगा। नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी जदों पूरब की यात्रा से निकले तो परिवार को पटना साहब छड़ के असाम की यात्रा से चले गए। ऐसे सफर दौरान ही उन्होंने माता गुजरी की कुखों पुत्र के जन्म की खबर मिली। पुत्र का नाम गोविंद रखा गया। जदों गोविंद जी पांच वर्या दे हुए तां सारा परिवार आनंदपुर साहब आ वसिया। इत्थे ही गोविंद जी ने शास्त्रां अते शस्त्रां दी सिख्या हासिल कीती। संस्कृत फारसी पंजाबी अते ब्रिज आदि भाषावां दा ज्ञान प्राप्त कीता। घोड़सवारी तीरंदाजी अते किरपान दे करतबा विच निपुण हुए। यही वो वक्त सी जब दिल्ली दे तख्त ते बैठा बादशाह औरंगजेब भय अते जुल्म दे नाल सारे हिंदुस्तान दीन दे रंग विच रंगना चाहुंदा सी।
सन 1675 गोविंद जी उदो 9 वर्ष दे सन जदों एक दिन गुरु तेग बहादुर जी दे सजे हुए दरबार विच कश्मीरी पंडित आ फरियादी हुए जिन्हां दे मथियां उत्तों जबरन तिलक बिठाए जा रहे सन जंजू उतारे जा रहे सन। उन्हां दी दर्द भरी विथ्या सुन के श्री गुरु तेग बहादुर जी अजे खामोशी सन कि बाल गोविंद बोल उठे, गुरु पिता एक अर्ज अज बालक तेरा करे, तुद बिन कौन जो जिंद दा दीवा बाल तरे, चुल्लड़ लख अनेरिया कहर दी पौन वगे, तेरे सच बलिदान दा जुग जुग दीप जले। बाल गोविंद नू प्यार भरिया थापड़ा देके गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडित नू कहन लगी, हे दुखे आरे हिर देओ ना हो मंगी, हाकम नू जा कह देओ ए गल नाल अपनी, तेग बहादुर मन लवे जेकर ते बदल लवेगा जी। गुरु तेग बहादुर जी इंसानी स्वतंत्रता इंसाफ अते दीना दुखियां दी रखिया वास्ते बलिदान देने लई दिल्ली वल रवाना हो गए। उन्हां नूं गिरफ्तार करके इस्लाम कबूल करन लई कई तरह के लालच अते खौफ दिते गए। कोई पेश न चलती देख के दिल्ली दे चांदनी चौक विच उन्हां दियां नजरां दे सामने उन्हां दे प्यारे सिखां नूं अंता दे तसीहे दे के शहीद किया गया ता जो गुरु का दिल दहल जाए। भाई मती दास जी नूं आरे नाल चीरिया गया, भाई सतीदास जी नूं जीवदियां अग विच जलाया, भाई दयाला जी नूं देग विच उबालिया गया, औरंगजेब अते उसकी मुगलिया सल्तनत गुरु जी नूं दीन कबूल करवाण की कोशिश करदी हार गई। औरंगजेब ने हुक्म दिता सिर कलम कर दिता जावे और खबरदार कोई इस सिर अते जिस्म नूं इस जमीन तो उठावण दी जुर्रत ना करे। सीने नाल सिदक नूं कर ना सके जुड़ा, तड़दे जमी ते टैपना मच गई हाहाकार, धरती मान चुमके आख्या मैं बलिहार, आख्या मैं बलिहार, आख्या मैं बलिहार, एक बहादुर के चलत पयो जगत में शोक, है सब जग भयो जय 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 सुर दो, जय 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 सुर दो, जय 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 सुर दो। शाही फरमान दी परवाह ना करदियां वणजारा सिख लखी शाह गुरां दी देही नूं अपने गड्डे विच लुका के अपने पिंड लै गया ते गुरां दी देही दा संस्कार करन लई अपने घर नूं अग ला दित्ती। भाई जैता गुरां दे सीस नूं अपनी बुकल विच लुका के रातां अते चक्कड़ चीरदा आनंदपुर साहब गुरु गोबिंद सिंह जी कोल पहुंचिया ते उन्हां नूं गुरु दा सीस
अर्पित किया। रंगरेटा गुरु का बेटा कह के दसम पातशाह ने भाई जैते नूं गले लगाया ते सीस दा संस्कार किया। गुरु पिता की शहादत दसम पातशाह दे नैणां नूं ऐसी नमी ते लौ दे गई कि उन्होंने आउंदे समयां नूं अनंत काल तक निहारिया। आने वाले समय में अपने सिखां जबर अते जुल्म नाल टकराउण लई तैयार होने का आदेश दिता। फिर आया 1699 की विसाखी का वो पावन ते इतिहासिक दिहाड़ा। हाथ विच नंगी शमशीर लैके हिंदुस्तान दीयां चारां दिशावां तों आई संगत तों सीस दी मंग कीती। पंज मरजीवड़िया ने अपने सीस गुरु नूं अर्पित कीते। इन्हां नूं दसम पातशाह ने खंडे बाटे दा अमृत पान कराया, गल नाल लाया, गुरु दे प्यारे कहा। फिर इन्हां पंजां प्यारियां तों खुद अमृत पान करके आपे गुरु चेला दी अनूठी मिसाल कायम कीती। इस मौके ते आए हुए वक वक वर्णा अते जाता नाल संबंध रखने वाले विशाल जन समूह इको ही बाटे चो अमृत छकाया। सदियां तो चलते आ रहे जात पात के सराप नूं इको पल विच मिटा के खालसा पंथ की सिरजना की थी, जिसनों एक नवा मेस दे के अकाल पुरख की फौज किया। सच प्रेम अते चढ़दी कला दे इस बेखौफ काफले नूं देख के जुल्म अते बेइंसाफी दी सताई हुई खलकत विच आस अते उत्साह दी नवीं लहर दौड़ गई। पर मुगल सल्तनत पहाड़ी राजियां अते अखौती उच्चियां जातां नूं ये अणखीला पंथ चुभण लगा। खालसे दी होंद मिटाउण दीआं तरकीबां होण लगियां। खुदगर्ज अते हंकारी ताकतां सिर जोड़न लगिया। चारे पास्यों जुलम दा गर्द गुबार इकट्ठा होने लगा। सच आत्म सन्मान अते इंसाफ दी लाटां नूं बुझाउण लई वार वार जुलम अते बेइंसाफी दे चक्कर चुले। पहाड़ी राजियां अते मुगलिया सल्तनत दीआं भारी फौजां ने रल के बार बार हमले कीते। 1,25,000 से एक लड़ाऊ दे गुरुवाद अनुसार गुरु का खालसा बेमिसाल बहादुरी नाल लड़िया। सरबंस दानी बेकसान दे यार गुरु गोबिंद सिंह जी ने अकाल पुरख के आदेश मुताबिक
दुनिया उत्ते सच हक अते इंसाफ दी रब्बी हुकूमत कायम करन लई अपना सारा सरबंस कुर्बान कर दिता। इतिहास विच इस दी मिसाल किते होर नहीं मिलती। चमकौर दी गड़ी विच अपने वड्डे साहिबजादियां अजीत सिंह ते जुझार सिंह नूं अपने हथी शहीदी गाले बन के जूझण लई तोरिया। भारी फौज का मुकाबला करते हुए गुरु दे लाल रणखेतर विच शहीद हुए। सूबा सरहंद वजीर खां ने माता गुजरी अते छोटे साहबजादियां नूं गिरफ्तार कर लिया। मासूम जिंदा नूं लालच अते खौफ दिते गए ता जो वो अपना धर्म त्याग दे, पर वो अपने सिदक ते अडोल रहे। 7 साल दे साहबजादे फतेह सिंह ते 9 साल दे साहबजादे जोरावर सिंह नूं जिउंदे जी नीहां विच चिणवा दिता गया। इन्हां मासूम जिंदा की शहादत की खबर सुन के माता गुजरी ने प्राण त्याग दिते। माता पिता अते चारे पुत्रां की कुर्बानी देके भी माछीवाड़े के जंगल में इकले बैठे सरबंसदानी गुरु गोबिंद सिंह जी के मुखारबिंद ते अकाल पुरख लई गहरे प्रेम अते शुकराने के बोल सन। मित्र प्यारो हाल बुरी दादा कहना, मित्र प्यारो हाल तुझ बिन रोग रजाया दायोडन, तुझ बिन रोग रजाया दायोडन, नाग निवास दे रहना। मित्र दीना कांगड़ विखे दसम पातशाह ने फारसी शायरी विच औरंगजेब के नाम जफरनामा लिखा, जिस विच उन्होंने औरंगजेब नूं उसके कीते गुनाहां का एहसास करवाया। जफरनामा खालसे दी इखलाकी जित दा ऐलान है। तलवंडी साबो श्री दमदमा साहब विखे माता सुंदरी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मिले। उन्होंने दसम पातशाह नूं पुछया, हे पातशाह, चार चंद जहे मुखड़िया चों एक भी नजर नहीं आ रहा, कित्थे छड आए हो चारे लाल। इस सवाल नाल धरती ते आसमान डोल गए। दसम पातशाह वालों जवाब विच कहे बोलना ने डोलदी धरती ते आसमान थम लिया। उस जवाब विच उन्हां दा समुचा जीवन इतिहास ते अपने खालसे लई अनूठा प्यार अते विश्वास भरिया होया है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने दीवान विच सजे सिंघां वल संकेत करके कहा,
इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार चार हुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। दमदमा साहब विखे गुरु गोविंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपूर्ण भीड़ तैयार की थी। भाई मनी सिंह ते होर लिखारियां तो उस भीड़ दे उतारे तैयार करवाए ते दखण दी यात्रा ते रवाना हो गए। जब नंदेड़ पहुंचे तो उन्होंने मुलाकात योधे तो विरागी बने माधो दास तण हुई। दसम पातशाह की शख्सियत अते उन्हां दे बचना ने माधो दास की जिंदगी का वैण ही बदल दिता। गुरु जी ने कहा, हे माधो, ये तेरा शांत ते पवित्र आश्रम किस काम, जबकि तेरी मात भूमि उत्ते मजलूमां दे खून दियां नदियां बह रही। उठ शमशीर उठा, खौफ अते मजलूमा दा आसरा बन। गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत पान करवा के माधो विरागी नूं बंदा बहादुर बनाया। जुल्म दे खिलाफ जंग नूं जारी रखण लई दसम पातशाह ने बंदा बहादुर नूं पंजाब वल रवाना किया। नंदेड़ साहब की धरती ने देखिया वो इतिहासिक दिन जदों सचखंड गमन तो कुछ दिन पहला गुरु गोविंद सिंह जी ने समूह संगत की हाजरी विच श्री गुरु ग्रंथ साहब अगे सीस नवा के गुरता गद्दी अर्पित की थी। इस संगत नूं आदेश दिता कि अज तो जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु होणगे। जिसने भी गुरु दे दीदार करने होंगे ओ श्री गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी चों ही करेगा। गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी तो चानण लेके जो भी फैसले होंगे ओ गुरु दे ही फैसले होंगे।
लेजर शो देख के हटे हाँ जी। आ देखो संगत वाहेगुरु, किन्नी संगत आई लेजर शो वेखण वास्ते सचखंड हजूर साहब विखे। रात को 8 बजे तो लैके 9 बजे तक लेजर शो विखाया जाता है जी। मौसम के हिसाब न समय में तब्दीली होंगी होएगी। असी मई के महीने में आए हुए हैं, मई के महीने में 8 to 9 रात को विखाया जाता है। हाँ देखो संगत किन्नी जी, लेजर शो देखिया आप जी, किन्नी संगत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी।